क्या हुआ निश्चय को, क्या हो गया? देखिए ना जी, एकदम चुपचाप हो गया है। पहले तो हिल भी रहा था, अभी तो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, एकदम बेहोश हो गया टाइप से हो गया है। चलो इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। चलो, चलो। मेरा बेटा निश्चय। हे प्रभु, 3 दिन हो गया आज, मेरे बेटे का तो बुखार उतर ही नहीं रहा है प्रभु, क्या करें प्रभु? मैं इसके पापा को कॉल लगाती हूँ। हेलो, हेलो, हाँ बोलो। हाँ जी, आप थोड़ा आज जल्दी आ जाइए ना। अच्छा क्या हो गया? हमारे बेटे का तो बुखार उतर ही नहीं रहा ना, आज 3 दिन हो गए हैं। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी आता हूँ। बस प्रार्थना मीटिंग आज एक जगह क्या है, प्रार्थना मीटिंग था ना, वहीं पे प्रार्थना मीटिंग कर रहे हैं हम लोग, और जल्दी से खत्म करके मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, घर आता हूँ फिर। जी ठीक है, जल्दी कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मैं पहुँचता हूँ। ओके जी। क्या हुआ निश्चय को, क्या हो गया? देखिए ना जी, एकदम चुपचाप हो गया है। पहले तो हिल भी रहा था, अभी तो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, एकदम बेहोश हो गया टाइप से हो गया है। चलो इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। चलो, चलो। मेरा बेटा निश्चय। हे प्रभु, मेरे बेटे को अंदर ले गए हैं प्रभु, पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा होगा, उसकी मदद करना प्रभु। हे प्रभु, उसकी तबीयत को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ। अरे ये अभी तक नहीं आए, पता नहीं डॉक्टर क्या बोल रहा होगा। आप आ गए जी, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या कहा डॉक्टर ने? क्या बताऊँ, डॉक्टर ने बोला है कि हमारे बेटे का सीटी स्कैन होगा, MRI होगा, और इसमें बहुत सारे पैसे लग जाएंगे, और महीने का 30,000 रुपये खर्च भी हो सकता है बोला उन्होंने। और अभी आप लोग घर जाइए और पैसे का इंतजाम करिए, ऐसे बोला है उन्होंने। बस अब तो पैसे का इंतजाम ही करना होगा, हमारे बेटे का तबीयत ठीक नहीं है, उसे ICU में रखा गया है, और आज शाम को बताया जाएगा कि उसका सिटी स्कैन में क्या आया या MRI में क्या आया। तो चलो फिर अब घर चलते हैं। चलिए।
आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर के आती हूँ। लीजिए, पानी लीजिए। अब हम कैसे करेंगे? और ऐसे भी महीने का 30,000 रुपया खर्च हो रहा है, और 10,000 रुपया मेरा महीने का सैलरी है। मैं एक पास्टर काम करता हूँ और पास्टर काम मैं छोड़ना चाहता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ प्रार्थना मीटिंग करते हैं, दान भी देते हैं, लेकिन उतना में मैं अपने बच्चे का इलाज नहीं कर पाऊंगा। मैं बहुत परेशान हूँ, अब क्या करें? मेरा तो मात्र 10,000 रुपया सैलरी है। चर्च में जाता हूँ, वर्शिप लेता हूँ, और उतना में मेरा नहीं हो पाएगा। मेरे बेटे को अब कौन बचाएगा? अब मेरा क्या होगा? मैं सोच रहा हूँ कि ये पास्टर काम छोड़ देता हूँ और कोई दूसरा काम करता हूँ जब तक मेरा बेटा ठीक नहीं हो जाता, और उसका इलाज भी करना है, और डॉक्टर जो है अभी शाम को बताएगा, टाइम भी हो गया है, अभी कॉल करेगा थोड़ा देर में, तब हम पैसे कहाँ से लाएंगे? तो मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं अपने इस काम को छोड़ देता हूँ, मैं अब पास्टर काम नहीं करूँगा। ये आप क्या बोल रहे हो? आप परमेश्वर के एक दास है, एक प्रचारक है। आप ही अगर भरोसा छोड़ देंगे तो हमारे बेटे का क्या होगा? हमारे बेटे का परमेश्वर है ना, वो चंगाई देगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप परमेश्वर का काम क्यों छोड़ना चाहते हैं? परमेश्वर हमारी मदद करेगा, वो हमें पैसे दिलाएगा, हमारे बेटे को चंगाई देगा। उस पर भरोसा रखिए, प्रार्थना कीजिए। तू पागल हो गई है क्या? हाँ, विश्वास? क्या विश्वास? विश्वास से इलाज होगा बोल रही है, है? यहाँ पे हमारे बेटे का, जबकि इतना 30,000 रुपया महीने का लग रहा है, हाँ? और विश्वास से इलाज होगा? डॉक्टर विश्वास नहीं लेगा, डॉक्टर पैसा मांगता है, पैसा। तो तुम मेरे को ऐसे बोल रही है जैसे कि विश्वास करने से ही सब ठीक हो जाएगा, है? डॉक्टर पैसा मांग रहा है, तू पागल हो गई है क्या? अभी सुने नहीं क्या? 30,000 रुपया लग रहा है, डॉक्टर पैसा मांग रहा है। हमारे बेटे का इलाज पैसे से होगा, ना कि विश्वास से। अभी पैसा जरूरत है, इसलिए मैं ये काम छोड़ रहा हूँ और मैं दूसरा काम करूँगा। रात दिन मेहनत करूँगा और मेरे बेटे का इलाज करूँगा मैं। आपको क्या हो गया है? आप दूसरों को बाइबल से सिखाते हो और आप खुद अविश्वासी बन गए हो। परमेश्वर पर जरा भी भरोसा नहीं है आपको? तो क्या करूँ फिर? क्या करूं? मेरे बेटे का जान जाने वाला है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ पर मैं परेशान हो गया हूँ, हैं? तू सुनी नहीं क्या? पैसा, यहाँ पे पैसा जरूरत है। प्रभु पर भरोसा रखो, विश्वास रखो, वो करेगा इंतजाम। आप क्यों इतना परेशान हो रहे? हाँ विश्वास तो है, लेकिन मेरे को मेरे बेटे को भी तो बचाना होगा ना, उसके लिए तो पैसा चाहिए ना। ये कैसा विश्वास है आपका? हो सकता है परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहा होगा। परमेश्वर पर आप भरोसा रखिए ना, वो जरूर ठीक करेगा हमारे बेटे को, वो करेगा पैसों का इंतजाम। आप पास्टर काम नहीं छोड़ सकते, उस पर भरोसा रखिए, वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा हमारे लिए। वो हमारे बेटे को चंगा भी करेगा, जरूर हमारा बेटा चंगा होकर के घर आएगा। उस पर भरोसा रखिए और प्रार्थना कीजिए। चलिए, काफी रात हो गई है, आप थक भी गए हैं, चलिए आराम कर लीजिए। अरे ये तो हॉस्पिटल से फोन है। हेलो,
हाँ जी बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी बोलिए। जी हाँ क्या? अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब ठीक है, मैं पैसे का इंतजाम करता हूँ, आप ऑपरेशन शुरू कर दीजिए, मैं इंतजाम करता हूँ पैसे का। मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ क्या हुआ, क्या कहा डॉक्टर ने? हमारे बेटे को ट्यूमर है। क्या? हाँ हमारे बेटे को ट्यूमर है, डॉक्टर ने बताया कल शाम को जो रिपोर्ट आया उसमें लिखा हुआ है कि हमारे बेटे को ट्यूमर है। और वो बोल रहे हैं कि अगर एक हफ्ता में ऑपरेशन नहीं हुआ तो हमारा बेटा नहीं बच पाएगा, और 1,00,000 रुपये ला करके जमा करो बोल रहा है। हमें 1,00,000 रुपया कौन देगा अभी? हमें अपने बेटे को बचाना है, मेरे को मेरे बेटे को बचाना है, मैं कहाँ से लाऊं इतना पैसा अभी? आप प्रभु पर विश्वास रखिए, वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। अरे विश्वास से अभी कुछ नहीं होने वाला है, मेरे को मेरे बेटे को बचाना है, 1,00,000 रुपये चाहिए अभी। प्रभु जरूर इंतजाम करेगा और हमारे बेटे को भी जरूर ठीक करेगा वो, आप विश्वास कीजिए प्रभु पर, प्रार्थना कीजिए आप प्रभु से, वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। 1,00,000 रुपये लाना है, 1,00,000 रुपये लाना है, कहाँ से लाऊंगा मैं, कहाँ से लाऊंगा अभी, अभी कहाँ से लाऊंगा मैं, अभी कहाँ से लाऊंगा? 1,00,000 रुपये चाहिए। हाँ ये किसका फोन है, ये किसका फोन है? हेलो, हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ, हाँ मैं करूँगा ना, मैं काम करूँगा। हाँ हाँ मैं बताया था आपको, हाँ जी जी मुझे चाहिए, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे चाहिए, मैं आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ जी, मैं आ रहा हूँ अभी आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। किसका फ़ोन था? मैं आ रहा हूँ। किसका फ़ोन था, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आ रहा हूँ अभी, क्या हुआ? बताने का टाइम नहीं है अभी, वो सब बताने का टाइम नहीं है। अरे कुछ तो बताइए, कहाँ जा रहे हैं आप? अभी वो सब कुछ बताने का टाइम नहीं है, तू समझ बात को, मेरे को जाने दे अभी। अरे किसका फोन था, कुछ तो बताइए, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं जा रहा हूँ अभी, वो सब टाइम नहीं है, अभी मेरे को जाना है। अरे कहाँ जा रहे हैं आप, कुछ तो बताइए। मुझे जाना है अभी, मुझे जाना है, मुझे अभी जाना है, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अरे बता के तू जाइए, कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं मैं जा रहा हूँ। हे प्रभु ये कहाँ चले गए, मुझे कुछ बताए भी नहीं। हे प्रभु इन्हें क्षमा करना पिता, ये कहाँ गए हैं पिता परमेश्वर, इनकी रक्षा करना, इन्हें तुझ पर विश्वास नहीं है पिता। हाँ पिता, पिता इनकी रक्षा करना, ये कोई गलती से भी कोई गलत काम ना कर बैठे पिता परमेश्वर, तू इनकी मदद करना पिता। हाँ मेरे खुदावन, और मेरे बच्चे को भी मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता। हाँ मेरे खुदावन रक्षा करना पिता, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हेलो, हाँ मम्मी जी, ये अभी तक नहीं आए हैं, 1 हफ्ता हो गया है, पता नहीं कहाँ गए हैं, ये बस आ रहा हूँ करके बोले, कुछ काम से जा रहा हूँ बोले, पैसा लेने जा रहा हूँ करके बोले, और अभी तक नहीं आए। आज 1 हफ्ता होने को आए और बेटे का ऑपरेशन का डेट भी निकल गया है, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं क्या होगा। ठीक है मम्मी जी, मैं रखती हूँ अभी, चलो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु से, कोई ना कोई उपाय जरूर निकालेगा। हे प्रभु, हे पिता परमेश्वर, मदद कर पिता, तेरे दास गए हैं पिता परमेश्वर, अभी तक घर नहीं लौटे हैं पिता, और पिता परमेश्वर जबकि मेरे छोटे बेटे का भी ऑपरेशन का डेट निकल गया है पिता, तू रक्षा कर पिता परमेश्वर। हाँ पिता, तेरे दास को सही सलामत घर लेकर के आ पिता परमेश्वर,
जबकि वो पैसों का इंतजाम करने गए थे पिता, अभी तक उनका कोई पता नहीं चला पिता परमेश्वर, उनका कोई कॉल नहीं आया पिता परमेश्वर। हाँ पिता, मदद कर पिता परमेश्वर, दया कर, वो घर लौट कर सही सलामत आने वाले बन सके पिता। हर एक बातों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, विनती उद्धार का सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुने ग्रहण करे, आमीन। अरे ये किसका फोन आ रहा है? हेलो, हाँ जी वो मेरे पति है, आप कौन बोल रहे हैं? अभी कहाँ है मेरे पति, कैसे हैं वो? नहीं ये क्या बोल रहे हैं आप हैं? नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। आखिर किसका फोन था? आखिर पास्टर के साथ क्या हुआ? उसकी पत्नी क्यों चौंक गई? क्या उसका बेटा बच पाया? यह सभी चीज जानने के लिए देखें दूसरे भाग में। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार, मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो मूवी में स्वागत करता हूं। और इसी प्रकार के गॉस्पल मूवी बनाने के लिए आप हमारा साथ दें, आपका छोटा सा दान राशि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हर महीना हमारे लाइव शो अकाउंट नंबर पे मात्र 100 रुपया सेंड करें, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप सभी का प्यार हम पर बना रहे, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।